हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई नो मैं बहुत टाइम बाद आज वीडियो शूट कर रही हूँ। इट्स बीन सो लॉन्ग बिकॉज आई वाज सो बिजी, सो आई एम रियली वेरी सॉरी। बट आई विल मेक श्योर कि अब मैं ना रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जैसे मैं पहले लाती थी। सो आज का वीडियो होने वाला है एक मिंत्रा का ब्यूटी हॉल। मैंने बहुत सारी ब्यूटी से एंड मेकअप से रिलेटेड चीज़ें खरीदी हैं मिंत्रा से, तो वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ गाइस, आप जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो आज के हॉल में ना आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, कंसीलर्स, फाउंडेशन, आई शेडो पैलेट, लाइनर्स, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे दो फाउंडेशन मंगाए हैं। एक है यहाँ पे मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, दिस इज 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन, मेरा पर्सनल फेवरेट फाउंडेशन है। एक तो इतना अफोर्डेबल रेंज में इतना बढ़िया फाउंडेशन है एंड मेरा शेड है इसमें 128 वार्म न्यूड। तो अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन में फॉल करते हो या मेरी स्किन टोन में फॉल करते हो तो ये वाला फाउंडेशन शेड बहुत अच्छा है एंड ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है। तो आप जब भी इस टाइप ये वाला फाउंडेशन लो ना, अपने शेड से एक शेड लाइटर लो ताकि जब भी ऑक्सीडाइज होते हो आपकी स्किन टोन का बन जाए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट एंड ये बहुत ही अच्छा है। इसका MRP है 750 rupees, बट मेरे को ये 450 rupees अराउंड में मिल रही, तो आप इसको जाके परचेज कर सकते हो। दिस इज रियली वेरी गुड फाउंडेशन। उसके बाद जो मेरे पास दूसरा फाउंडेशन है यहाँ पे वो है ये लैक्मे एब्सोल्यूट का 3D कवर फाउंडेशन SPF 30। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने बहुत सुना है लैक्मे के फाउंडेशन के बारे में तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऑर्डर करें। इसमें जो मेरा शेड है वो है वॉर्म क्रीम। मैंने जितने भी फाउंडेशन मंगाए हैं वो वॉर्म अंडरटोन के मंगाए हैं। आई रियली रियली लाइक दिस एंड इसकी कवरेज भी ना, जब मैंने इसको स्वॉच किया था आई लिटरली लाइक दिस कवरेज, मतलब अच्छी खासी इसकी कवरेज थी। तो मुझे लग रहा है ये फुल कवरेज होना चाहिए एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू रिव्यू इट। अगर आपको इसका पर्सनल या सिंगल रिव्यू चाहिए तो यू लेट मी नो कि मैं इस पर एक रिव्यू भी कर सकती हूँ कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ये अच्छा परफॉर्म किया तो बजट फ्रेंडली ऑप्शन में दिस इज ऑल्सो रियली वेरी गुड। बट अभी मैं इस पर अपना कोई रिव्यू नहीं दे पाऊंगी बिकॉज मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। बट ये मैंने एक और फाउंडेशन मंगाया है। मैं कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं चल रही हूँ, मेरे हाथ में जो आ रहा है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। सो द सेकंड थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज प्राइमर्स। मैंने यहाँ पे दो प्राइमर मंगाए हैं। एक यहाँ पे मंगाया है लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर और एक मैंने मंगाया है सेरी का प्राइमर। लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर मैंने बहुत यूज़ किया, बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइमर है तो उसके बारे में मुझे बताना नहीं पड़ेगा। एंड ये है सेरी का प्राइमर। आजकल सेरी के प्रोडक्ट्स ना बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, बहुत अच्छे इसके प्राइमर्स हैं एंड दिस इज परफेक्ट फिनिश फेस प्राइमर एंड ये ब्लर कर देता है, मिनिमाइज कर देता है पोर्स को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका जो प्राइस है वो 649 rupees है बट मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 400 rupees में मिल गया था। सो रियली रियली वेरी गुड प्राइमर, आप जाके इसको भी ट्राई कर सकते हो। इस प्राइमर के बारे में तो बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग यूज़ कर रहे होंगे एंड बहुत लोग इसको ऑलरेडी यूज़ करने वाले होंगे बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर दैट लैक्मे हैज़ गिवन। दिस इज लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर, बहुत अच्छा प्राइमर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। एंड मैं अगर आपको इसका टेक्सचर दिखाऊँ ना, एकदम बहुत ही एकदम स्मूथ कर देता है, बहुत अच्छा कैनवस देता है एंड स्पेशली पीपल विद ड्राई स्किन जिनको ना पोर्स भी ब्लर करना है और हाइड्रेशन भी चाहिए तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं इसको बिकॉज इसमें कोई भी ऐसी ऑयली और ग्रीसी कास्ट नहीं है। तो सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस, दिस इज रियली रियली वेरी गुड फाउंडेशन एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आता है। देन आई हैव ऑर्डर टू कंसीलर्स। आई डोंट नो, मैंने बहुत सारी चीज़ें दो दो मंगाई बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स और मेरे को था कि यार बहुत टाइम से मेकअप की शॉपिंग नहीं करी है तो थोड़ा सा मेकअप की शॉपिंग कर लेते हैं बिकॉज यू नो आई लव मेकअप एंड मैं मेकअप से कभी भी बोर नहीं हो सकती हूँ। सो आई हैव शॉप्ड अगेन टू प्रोडक्ट्स। एक है यहाँ पे मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी फाउंडेशन कंसीलर, ये मैं ऑलरेडी यूज़ करी हूँ एंड दिस इज रियली वेरी गुड। आई हैव ऑर्डर्ड द शेड 10 लाइट बिकॉज ये मेरी स्किन से 2 से 3 शेड लाइट कंसीलर है। मेरे को हाईलाइटिंग कंसीलर की तरह इसको यूज़ करना है बिकॉज करेक्टर के लिए ना मैं ऑरेंज कलर करेक्टर या डार्क शेड का कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ बट हाईलाइटिंग कंसीलर के लिए मैं प्रॉपर कंसीलर्स ही यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ अ रियली वेरी गुड कंसीलर। सो आई हैव गॉट दिस, दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन फिट मी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे मंगाया है रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन कंसीलर। दिस इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर। अगर मैं इसका एप्लीकेटर आपको दिखाऊँ ना, ये आपको एकदम टार्ट शेप का एप्लीकेटर दिखेगा, जैसे टार्ट कंसीलर का आता है ना वैसा इसका एप्लीकेटर है। रियली रियली वेरी नाइस एंड ये फुल कवरेज है, बहुत अच्छी कवरेज देता है आपको एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आता है। सो इफ़ यू वांट टू गो एंड ट्राई एनी फुल कवरेज कंसीलर, आप ये वाला जाके ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे मंगाया वो मैंने मंगाया है लॉरियल की UV डिफेंडर सनस्क्रीन। मतलब समर्स में एक ऐसी सनस्क्रीन मिलना जो आपको एक वाइट कास्ट ना दे, ऑयली ग्रीसी पन ना छोड़े, तो दिस इज़ माई फेवरेट।
बहुत ज़्यादा अच्छी, आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स इसके बारे में बात कर रहे होंगे. सो दिस इज़ रियली रियली वेरी नाइस. तो अगर आप एक ऐसी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो ना जो अफोर्डेबल हो, वाइट कास्ट भी ना छोड़े, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स हो, तो देन लॉरियल इज द वन दैट यू शुड गो फॉर. बहुत ही अमेजिंग इसके प्रोडक्ट्स हैं एंड बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन है, सो यू कैन गो एंड परचेज दिस. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव गॉट इज अ हाइलाइटर पैलेट. ये है मेकअप रेवोल्यूशन प्रो की 4K हाइलाइटर पैलेट एंड इसमें आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं. एक आपको यहाँ पे गोल्डन शेड मिल जाता है, एक आपको सिल्वर मिल जाता है, एक आपको पीच शैम्पेन टाइप का मिल जाता है, एक आपको ब्रॉन्ज मिल जाता है. मतलब हर स्किन टाइप पे आप इसको यूज कर सकते हो. बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर पैलेट है एंड अगर मैं आपको इसकी जरा स्वॉचेस दिखाऊँ ना तो मतलब यू गाइज विल गो क्रेजी. लुक एट दिस, कितना ज़्यादा प्रिटी है एंड इसके अंदर ना चंकी ग्लिटर्स नहीं है. तो सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस. मतलब बहुत ही प्रिटी हाइलाइटर पैलेट है एंड बहुत ही अच्छे से वर्क करती है. बहुत ही अफोर्डेबल भी है. दिस रिटेल्स फॉर 1550 रुपीज़ की वैसे रिटेल करती है बट आपको डिस्काउंट पे मोर देन 70% ऑफ तक की मिल जाएगी. सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस. मतलब बहुत अच्छी है. आई लिटरली लाइक इट. तो मेरे को एक तो इसकी शेड वेराइटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि ये सारी स्किन टोन पे मैं यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. तो अलग अलग क्लाइंट्स आते हैं तो फिर उसके लिए तो ये बेस्ट है. एंड अगर आप एक सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट भी हो या खुद के लिए एक ऐसी हाईलाइटर पैलेट ढूंढ रहे हो जो मल्टीटास्किंग होने से आप इससे ना कॉर्नर्स हाईलाइट कर सकते हो, इससे आप अपना आई शेडो भी क्रिएट कर सकते हो, तो आप इस टाइप की आई शेडो का हाईलाइटर पैलेट ले सकते हो. इट इज़ रियली 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 वेरी गुड पैलेट. सो यू कैन गो एंड परचेज दिस. उसके बाद मैंने यहाँ पे मंगाई है सिरी की फेस पैलेट. सिरी के प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं. सो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई इनकी ब्लश फेस पैलेट. इस पैलेट में ना आपको एक मिरर मिल जाता है. जब ही आया था तो ये टूटा हुआ था, विच आई रियली डोंट लाइक. तो मैंने मिंत्रा में कंप्लेन भी डाली है. एंड उसके बाद यहाँ पे चार चीज़ें मिल जाती हैं आपको. यहाँ पे ब्रॉन्जर मिल जाता है, यहाँ पे आपको 2 शेड के ब्लश मिल जाते हैं एंड यू गेट द हाइलाइटर ऑल्सो. सो रियली वेरी नाइस. पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है. मैं अगर आपको स्वॉच करके देखा वन स्वाइप पिगमेंटेशन है. रियली वेरी गुड एंड बहुत ईजी सुपर ब्लेंडेबल. सी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड आई पर्सनली लाइक इट बिकॉज एक तो इसमें जो शेड्स है ना ब्लश के वो बहुत ऐसे हैं कि आप सारे स्किन टोन्स पे यूज़ कर सकते हो. एकदम समर वाइब्स देते हैं एंड एक ऐसी पैलेट जो अफोर्डेबल रेंज में आपको हाइलाइटर भी दे दे, ब्रॉन्जर भी दे दे, ब्लश भी दे दे, बहुत कम मिलती है एंड विद वेरी गुड क्वालिटी. तो आप ये भी जाके देख सकते हो. एंड प्लस इसकी पैकेजिंग भी ना इतनी प्यारी पैकेजिंग है. लुक एट द पैकेजिंग. मतलब इसका जो ये कलर है ना, आई लिटरली लाइक इट. बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है. कलर इज सो समरी, सो वाइबी. सो दिस इज द थिंग दैट आई गॉट. नेक्स्ट आई गॉट 2 आईलाइनर्स. मतलब मेरे को इसके बारे में बताना नहीं पड़ेगा, ये इतने प्यारे आईलाइनर्स हैं. वन आई गॉट द जेल आईलाइनर. ये मेबलिन का जेल आईलाइनर है, सबने इसके बारे में सुना होगा. इसके साथ ना एक आपको ब्रश भी मिल जाता है एंड एक आपको यहाँ पे पॉट मिल जाता है जेल टाइप का. सो मतलब मेरा ये पर्सनल फेवरेट है. मैं इसको रीस्टॉक कर रही हूँ, अभी ये आया ही है और मैंने इसको काफ़ी सारा यूज़ भी कर लिया है. सो यू कैन सी मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल जेल लाइनर है. तो आप ये देख सकते हो. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिक्विड आईलाइनर मंगाया है एंड ये ना मैंने कलर्ड मंगाया बिकॉज ये कलर्ड आईलाइनर ना मल्टीपर्पज से यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज इट एज एन आई शेडो, आप इसको काजल की तरह भी यूज़ कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे लैक्मे का मंगाया है एंड इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ कि जो इसका फेल टिप है, लुक एट दिस, दिस इज सो प्रिटी. मतलब बहुत ही प्रिसाइज है एंड ग्रीन कलर इज मतलब हर जगह ग्रीन कलर चला जाता है. सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट. देन आई गॉट 1 अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट. इस आई शेडो पैलेट के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा. दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. इसमें ना इतने प्यारे न्यूड कलर्स हैं, सटल कलर्स हैं कि अगर आपको कोई भी न्यूड मेकअप लुक करना है या मेकअप नो मेकअप लुक करना है देन दिस आई शेडो पैलेट इज अ मस्ट. मैं अभी आई थी तो हल्की सी टूटी हुई थी. मतलब आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद मिंत्राज डिलीवरी. इस बार 2 प्रोडक्ट्स तो मैंने रिटर्न करे हैं बिकॉज 2 आई शेडो पैलेट्स मैंने और मंगाई थी, वो पूरी की पूरी ब्रेक आई थी तो वो मैंने रिटर्न करी है. एक लिपस्टिक मंगाई थी, उसका अंदर से जब खोला तो उसका एप्लीकेटर ही नहीं था. तो ऑलवेज मेक श्योर कि भाई जब प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हो तो आप चेक कर लो कि भाई वो टूटे फूटे तो नहीं हो बिकॉज बाद में वो चेंज नहीं होंगे. अगर आपने एट द मोमेंट कर दिया तो चेंज हो जाएंगे. सो दिस इज रियली वेरी गुड. अगर मैं इसके भी कुछ स्वॉचेस दिखाऊँ तो सी वन स्वाइप पिगमेंटेशन, वेरी नाइस, नॉट चोकी एट ऑल एंड वेरी ब्यूटिफुली ब्लेंडेबल. बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्लेंड होते हैं एंड बहुत ही अच्छे हैं. बहुत अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट है. इसमें आपको मैट कलर्स और शिमर कलर्स दोनों मिल जाते हैं, ट्रांजिशन शेड भी मिल जाता है, डार्क कलर मिल जाता है एंड ब्लैक कलर भी मिल जाता है बिकॉज मेनली आई शेडो पैलेट्स में ना अफोर्डेबल रेंज में ब्लैक कलर नहीं होता है. तो यू आर ऑल्सो गेटिंग ब्लैक कलर. तो आप इससे स्मोकी आई लुक तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से क्रिएट कर सकते हो. आई लिटरली लव इट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू. एंड ये बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी. बहुत छोटी सी पैकेजिंग में आती है, पर्स में डालो
एंड फटाफट से कहीं पे भी लेके चले। देन आई ऑल्सो गॉट वन काजल, ये एले गर्ल का ग्रीन कलर का काजल है। मैंने ग्रीन कलर का लाइनर भी मंगाया है एंड काजल भी मंगाया है। आई एम सो इन लव विद ग्रीन कलर। मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्वाइप, मतलब इतना प्यारा इसका पिगमेंटेशन है, वन स्वाइप पिगमेंटेशन है। ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक अच्छा काजल ढूंढ रहे हो ना, तो यू कैन गो एंड बाय दिस एले कलर्स का। मेकअप को फिक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं इतना मेकअप करती हूँ और मेरे को बहुत लंबे आवर्स तक मेकअप भी कैरी करना पड़ता है। सो आई मेक श्योर कि मेरा मेकअप ना इधर उधर ना जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मंगाया है मेकअप रेवोल्यूशन का ग्लो फिक्स। ये इसमें मैट वाला भी आता है, मैंने ग्लो वाला मंगाया बिकॉज मैं चाहती हूँ ना मेरा मेकअप एकदम मैट ना लगे, एकदम ग्लोई ग्लोई लगे जैसे अभी लग रहा है। तो ये वाला मैंने स्प्रे करा हुआ है, रियली रियली वेरी नाइस फिक्सर। एंड फिक्सर हम हमेशा मेकअप के लास्ट में यूज़ करते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए ना मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे अगर अभी तक मेरे को जाके फॉलो नहीं करो यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर। तो यहाँ पे मैं ये रेवोल्यूशन का यूज़ करती हूँ, रियली रियली वेरी नाइस, हाईली पिग हाईली यू नो ब्लेंडेबल है एंड बहुत ही अच्छी आपको फिनिश देता है मेकअप के बाद। आई ऑल्सो ऑर्डर्ड वन मेकअप रिमूवर बिकॉज मेकअप लगाओगे तो मेकअप छुड़ाना भी तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मंगाया है लैनियाश का लिप एंड आई मेकअप रिमूवर। लैनियाश इज अ वेरी गुड ब्रांड। इसके लिप के स्लीपिंग मास्क बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है, मैंने यूज़ भी करे हुए बहुत ज़्यादा अच्छे। तो मैंने इसका आई एंड लिप मेकअप रिमूवर मंगाया है। ये वाटर प्रूफ है एंड आई लिटरली लाइक दिट, पैकेजिंग इज सो क्यूट सो नाइस। थोड़ा सा बजट फ्रेंडली नहीं है, मतलब बहुत छोटी बॉटल आती है फॉर 500 रुपीज़, बट ऑब्वियसली इट्स अ लग्जरी ब्रांड तो थोड़ा सा महंगा तो होएगा, बट आई लिटरली लाइक इट एंड इट परफॉर्म्स रियली वेरी वेल। बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, आपका वाटरप्रूफ से वाटरप्रूफ मेकअप भी बहुत आराम से हटाता है। तो अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है एंड आपको बजट का इशू नहीं, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस। नेक्स्ट आई ऑर्डर्ड दिस पैक का फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। पैक के ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं एंड आई ऑर्डर्ड दिस इज इन द नंबर 265 एंड मेरे को बहुत टाइम से पैक के ब्रशेस ट्राई करने थे। सो आई ऑर्डर ब्लेंडिंग ब्रश एंड इससे ब्लेंडिंग ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, इट मेक्स ब्लेंडिंग सुपर ईजी। बहुत ही ज़्यादा फाइन ब्रिसल्स है, बहुत फाइन क्वालिटी है एंड बिल्कुल भी यू नो आपकी स्किन पे हार्श नहीं लगता और वॉश करते समय इसकी ब्रिसल्स बाहर नहीं आती है। सो अगर आप एक अच्छा फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश ढूंढ रहे हो जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो, तो यू कैन गो एंड परचेज दिस। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे मंगाया है, मैंने मंगाया है यहाँ पे कीको मिलानो का मस्कारा। इसका जो मस्कारा है मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी पैकेजिंग के और इसके बॉन्ड की वजह से मंगाया है। इसकी पैकेजिंग, लुक एट दिस, प्योर न्यून ग्रीन कलर का इसका बॉटल है एंड आई लिटरली लाइक इट। एंड इसका मैं बॉन्ड अगर आपको दिखाऊँ ना, मतलब बहुत ही डिफरेंट मेरे को बॉन्ड लगा एंड बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन करता है। एंड मैंने लैशेस से पहले आज इसको ही यूज़ किया और लिटरली रियली वेरी गुड, वाटर प्रूफ है एंड स्मज प्रूफ है, पॉकेट फ्रेंडली भी। कीको मिलानो के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं मिंत्रा पे, सो आप इसको जाके मिस नहीं कर सकते। यू हैव टू गो एंड गेट योर हैंड्स ऑन दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑर्डर 3 लिपस्टिक्स फ्रॉम मिंत्रा एंड लिपस्टिक्स हमें को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए होती हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग हो एंड कंफर्टेबल भी रहे लिप्स पे, एकदम चैप्ड और ड्राई ना करे। सो मैंने फर्स्ट यहाँ पे मंगाई है मेबली न्यूयॉर्क की न्यू लॉन्च है लिपस्टिक का एंड आई हैम कैरिंग दिस शेड। दिस इज सुपर कम्फर्टेबल, सुपर समर वाइब्स वाला शेड है एंड मतलब बहुत ही प्यारा है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ, लुक एट दिस, दिस इज सो प्रिटी सो नाइस एंड आई लिटरली लव इट। तो अगर आप एक इस टाइप का समर न्यूड कलर चाहते हो जो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, सो यू कैन गो एंड बाय दिस मेबेलिन वन। यू गाइज नो आई एम अ न्यूड लवर, तो मेरे में मोस्टली आपको न्यूड लिपस्टिक्स ही मिलेंगी। देन आई ऑर्डर दिस लैक्मे एब्सोल्यूट, द ओनली लिक्विड लिपस्टिक दैट इज मोस्ट कम्फर्टेबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपर कम्फर्टेबल है। एंड इसका मैंने ये वाला न्यूड पिंक कलर मंगाया, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली न्यूड बट थोड़ा सा ना ये लगाने के बाद न्यूड लगता है, बहुत ही प्यारा है एंड बहुत ही कम्फर्टेबल एंड लाइट वेट है। आप जब इसको लगाते हो ना तो लगता ही नहीं है कि आपने लिप्स पे कुछ लगाया हुआ है एंड इट इज़ रियली रियली वेरी पिगमेंटेड एंड हाईली कम्फर्टेबल। उसके बाद मैंने यहाँ पे मंगाई है लैक्मे 9 to 5 की लिपस्टिक। दिस इज लिप एंड चीक टिंट, मतलब मैं आजकल लैक्मे से थोड़ी सी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, तो मैंने ये वाला मंगाया एंड दिस इज अ वेरी प्रिटी मोविश पिंकिश कलर एंड लिप्स पे लगाने के बाद ना इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड यू कैन अप्लाई दिस ऑन योर चीक्स एज वेल। मतलब ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, चीक्स में भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है, बहुत अच्छा है। सो ये था मेरा मिंत्रा हॉल, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ गाइज आप जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय गाइज।